परसों एक पटियाला विच कतल की वारदात हुई सी जिन्हों साडे SSP शिवजीत पारीक के दिशा निर्देशों हेठ साडी टीम DSP मोहित अग्रवाल ते SHO GS सिकंद ने मिल के यह 24 घंटे के अंदर अंदर जी कतल की वारदात को ट्रेस किया है। ये बरबियान बलदेव सिंह साढ़े को थाने इनफॉर्मेशन आई सी कि उसका लड़का कासीम मुहम्मद जो 7:30 बजे घरों चला गया है बट वो मिसिंग है वापिस नहीं आया। इन्हों ने अपने लैवल पर ही छानबीन की तो इन्हों जी आटो गड्डियों घरों लेके गया से वो फेज 2 के सड़क के किनारे फोन ना लगभग इन्हों मिली सी। इस बयान के उत्ते असी एक मुकदमा नंबर 57 अर्बन स्टेट से दर्ज किया 364 के अंदर। उस तो बाद इन्हों की टीम ने टैक्निकल एविडेंस न होर एविडेंस के नाल दो बंदे एक तो मृतक की वाइफ रजिया बेगम से सुखदीप सिंह इन्हों दोवों नामजद किया थोड़े टाइम तो दोवां दे बच्चे कट्ठे पढ़दे सीगे हजे तक रजिया बेगम से सुखदीप सिंह दो ही बंदे मर्डर सामने आए जी। असं रिमांड लवेंगे कुछ कुछ करा देखा जो कोई हो सामने मर्डर स्पॉट कि नूरखेड़ी है यह भी तफ्तीश का पार्ट है जी। ये मतलब जहाँ इतने एक तो नूरखेड़िया गड्डी बरामद हुई है उत्थे नहीं सामने लगता है असं इन्हों हजे मतलब लाश बरामद कर ली है कुछ कुछ करा कि एग्जैक्ट स्पॉट की है सर मर्डर है एक बंद ने करे एक तो वो ये भी एक हजे तक तो असं दो नामजद किए हैं जी जी सारी कहानी है कितने लैके गए कितने इन्होंने वारदात की है वो सारा तफ्तीश मुख्य वालों कहते हैं कि रात 10:30 बजे एक मोटरसाइकिल भी देखा गया नहीं हजे तक तफ्तीश कोई अजिहा नहीं आया जी। असं रिमांड के उत्ते इन्हों लैके फिर देखा रिमांड लवेंगे तफ्तीश शायद होर भी गल्लां सामने जो अपराधी हैं उन्होंने पहला भी कोई इस तरह के मामले दर्ज है नहीं हजे तक साढ़े ध्यान अजिहा कोई नहीं पहला कोई मामला सामने नहीं मर्डर की कोई होर भी शामिल है जी। हजे तक रजिया बेगम से सुखदीप सिंह दो ही बंदे मतलब सामने आए जी। असं रिमांड लवेंगे कुछ कुछ करा देखा जो कोई हो सामने मर्डर स्पॉट कि पिंड नूरखेड़ी है कि कहते जितने गड्डी बरामद हुई है यह भी तफ्तीश का पार्ट है जी। ये मतलब जहाँ इतने एक तो नूरखेड़िया गड्डी बरामद हुई है उत्थे नहीं सामने लगता है असं इन्हों हजे मतलब लाश बरामद कर ली है कुछ कुछ करा कि एग्जैक्ट स्पॉट की है सर मर्डर है एक बंद ने करे एक तो वो यह भी एक हजे तक तो असं दो नामजद किए हैं जी जी सारी कहानी है कितने लैके गए कितने इन्होंने वारदात की है वो सारा तफ्तीश मुख्य वालों कहते हैं कि रात 10:30 बजे एक मोटरसाइकिल भी देखा गया नहीं हजे तक तफ्तीश कोई अजिहा नहीं आया जी। असं रिमांड के उत्ते इन्हों लैके फिर देखा जी कोई अजिहा पेश करते हम असं पेश करना है कोर्ट फिर दसा कि रिमांड रिमांड असं दस देंगे जी किसी किसी भी फोन कर लो ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਇੱਕ ਕੰਟੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ ਆਪੇ ਇਹ ਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਰੁਤਪਾਨ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨੂਰਖੇੜੀਆਂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਦਿਕ ਸ਼ਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਡੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਖਦੀਪ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਨੂਰਖੇੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਡੰਪ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਬਾਅਦ ਚ ਜਾਏਗੀ ਗੱਡੀ ਚ ਸਰ ਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਅਸੀਂ FIR ਇਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਬੋਡੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਈ ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਖੜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਐਵੀਡੈਂਸ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਸਰ। ਵੈਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟ੍ਰੇਸ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ
ਹਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਫੈਕਟ ਆਏ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ। अजय तक जो सामने आया प्री प्लानिंग करते हैं। अपनी फैमिली की हेल्थ से नो कॉम्प्रोमाइज, पिए सिर्फ साफ सुथरा और केमिकल अशुद्धियों से मुक्त पानी, समर्थ आरो वाटर प्योरीफायर, शुद्ध पियो स्वस्थ जियो।